तो सो गाइज, आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से अपने वीडियो को OCTR बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपनी वीडियो का OCTR किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। YouTube स्टूडियो ऐप को ओपन करने के बाद आपको किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, गो टू वीडियो एनालाइज, आपको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है रीच का, सेकंड नंबर पे इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंप्रेशन आ चुका है, 30% हमारा इंप्रेशन है अभी तक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको साइड में स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद CTR क्लिक थ्रू रेट, यहाँ पर आप देख सकते हो 6.7% हमारा अभी तक है, 5 घंटे वीडियो को अपलोड हुए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि CTR का फुल फॉर्म क्या होता है। CTR का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट। इसके बारे में अच्छे से समझाने वाला हूँ बारीकी से, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो कम्प्लीट देखना। तो इससे पहले आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक देना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलते आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि CTR के बारे में और इंप्रेशन के बारे में। इससे आपको CTR के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा, और CTR को अच्छे से समझने के बाद दोस्तों आप अपनी वीडियो को वायरल भी कर सकते हो। जब YouTube पर आप वीडियो को अपलोड करते हो तो कुछ इंप्रेशन आते हैं, हज़ारों में भी इंप्रेशन आते हैं। तो 1000 लोगों में से आपकी वीडियो पर 10% ने क्लिक कर दिया तो आपकी वीडियो पर 10% इंप्रेशन आ जाता है। अगर YouTube आपकी वीडियो को 2000 लोगों तक पहुंचाता है तो 2000 में से आपकी वीडियो पर 20% क्लिक करते हैं तो आपका इंप्रेशन बन जाता है 20%। अगर आपका इंप्रेशन 20% बन जाता है तो आपकी वीडियो भी वायरल होने स्टार्ट हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि अपनी वीडियो का CTR किस प्रकार से बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, सबसे पहले जो आपकी वीडियो का जो थंबनेल होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएं, और अपनी जो वीडियो का टाइटल होता है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लिखें, जिससे कि आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो सके और आपका CTR बढ़ सके। उसके बाद दोस्तों आपके व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका CTR बढ़ना स्टार्ट होगा तो आपके व्यूज़ भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी वीडियो का CTR बढ़ा सकते हो। अब बोलो कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करें। पिक्सल लैब एप्लीकेशन का डाउनलोड करने का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप वीडियो का थंबनेल काफ़ी अट्रैक्टिव बनाए, जिससे आपका CTR भी बढ़ेगा दोस्तों, जिससे आपके व्यूज आने भी स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, और दोस्तों आपका वीडियो जो टाइटल होता है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव। आज की वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताना दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।